जय सियाराम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए भक्तों पे तो सब संभव हो जाता है। जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो अनुकूलता में तब्दील हो जाती है, तमाम संकट दूर हो जाते हैं। बहुत सारे भक्तों से बातचीत होती है तो कुछ लोग कुछ ऐसे ग्रह हैं जिससे परेशान रहते हैं, खास करके शनि राहु केतु, ये ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति डर जाता है। खास करके अगर भगवान शनि की प्रतिकूलता अगर प्राप्त होती है तो व्यक्ति तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है। और ये जिज्ञासा हमने आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, टैरोट कार्ड रीडर और जिन्हें लोग रेमेडी क्वीन के नाम से जानते हैं, चेतना कालरा जी के सामने रखा। और ये आग्रह है कि नए साल में खास करके जो लोग शनि की 7.5 से ढैया से अगर परेशान हो वो क्या उपाय करें, क्या वो पूजा करें जिससे कि उन्हें अनुकूलता प्राप्त हो। तो स्वागत है आपका जी, और क्या कुछ खास बताने जा रहे हैं आज भक्तों को जी। पहले से ही ढैया, अगर ढैया चल रही है कुछ राशियों पे और 7.5 भी चल रही है तो पुराने वालों की तो खत्म हो जाएगी, कुछ पे रहेगी। और जिन पे प्रारंभ होगी ढैया वो है कर्क और वृश्चिक राशि, जिन पे ढैया प्रारंभ होगी। मीन और मकर कुंभ में तो 7.5 रहेगी। अच्छा। देखिए अगर हम पत्रिका के हिसाब से देखें, कुछ लोगों ने जिन्होंने बिजनेस बना रखा है ज्योतिष को, वो आपको राहु केतु और शनि से ही डराएंगे और किसी से नहीं डराएंगे। ज्योतिष एक बहुत ही प्राचीन और उत्तम विद्या है, लेकिन जो इसे इस्तेमाल करने वाले लोग कई बार इसका मिसयूज कर लेते हैं या फिर उससे गणित को समझ भी नहीं पाते, इसलिए फलाफल में दिक्कत आ जाती है जी। तो आप ये जो 7.5 और ढैया आती है ये इंसान को बहुत बुरे बुरे फल दे देती है, उसके हेल्थ को ख़राब कर देती है। और व्यापार में, रिश्तों में वो डिपेंड करता है कि आपने आपके कौन से घर में आ रही है ढैया या 7.5, आपका शनि कहाँ पर है कुंडली में। आपका शनि यदि दशम भाव में है तो आपको नौकरी में दिक्कत आएगी, सप्तम में है तो पारिवारिक आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस भी घर में शनि है उस हिसाब से वो अपने फल देता है ढैया और 7.5 में। लेकिन बहुत एक प्राचीन बात भी है, बहुत पुरानी बात है कि जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान भी साथ ही साथ पैदा हो जाता है। समाधान हमेशा हर चीज़ का होता है, बशर्ते कि आप थोड़े पेशेंस रखें, धैर्य से काम लें और विश्वास रखें। अगर आपका विश्वास रहेगा तो आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएं उसके पहले थोड़ा और स्पष्ट कर दें। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो समय समय प्रश्न करते हैं कि हमारे पास तो ना कोई कुंडली है ना जन्मतिथि का पता है और उनके जीवन में इस तरह की प्रतिकूलता आ रही है, तो कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं जिससे कि व्यक्ति समझ जाए कि उसके जीवन में इस वजह से दिक्कत हो सकती नहीं है। अगर आपको अचानक से कुछ दिक्कत आ जाती है, पहले सब ठीक। एक होता है व्यक्ति को शुरू से आ रही है दिक्कत, तो उसको तो हम कहते हैं पितृ दोष है, तूने कहीं ना कहीं कुछ पितरों को नहीं पूजा, प्रारब्ध कुछ रहा है, प्रारब्ध भी रहा और इस जन्म में भी आपने आके पितरों के आपके जैसे माता पिता ने नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा आपने नहीं करा। पितरों को श्राद्ध करना या उन्हें अन्न हर अमावस्या पे कुछ ना कुछ दान देना वो नहीं किया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति का पूरा जीवन दुख भरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा जीवन दुख भरा है तो पितृ दोष कहीं ना कहीं है उसके पास। और यदि एकदम से आपकी हेल्थ में गिरावट आ जाए, व्यापार चलता चलता खत्म हो जाए, तो आप कह सकते हैं शनि की ढैया या 7.5 का प्रारंभ हो रहा है। इसके भी चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरीके से चरण है, वो अपने चरण के हिसाब से फल देता है। तो वैसे तो देखिए हम कहते हैं कि आपको किसी दुख का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपको जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको अच्छे फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा और भाव बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो अगर हम ऐसे बात करें कि किसी की पत्रिका में ढैया और 7.5 हैं, तो जो सबसे आसान उपाय है उसका, सभी जानते हैं हनुमान जी जागृत देवता हैं कलयुग के, तो आप मंगलवार को 7 या 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है,
सबसे बड़ा और सबसे पहला उपाय तो ये है, मतलब जिसके जीवन में इस तरह की दिक्कत दिखाई दे रही है, जी जी, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए पढ़िए, ऐसा आप रोज करेंगे तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि शनि की साढ़े सती या ढैया, वैसे तो हर इंसान को सुबह नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, ये नियम तो हर किसी को अपनाना चाहिए, लेकिन साढ़े सती और ढैया में अगर हो चल रही हो तो आपको सुबह नहा धो के फ्रेश होके एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उस सरसों के तेल में अपनी छवि देखकर किसी जरूरतमंद को आपने इसको दान में देना है। किस दिन करना है ये रोज करिए। अच्छा, ये तो शनिवार को, क्योंकि ढैया जो है ना वो तो रोज चल रही है, वो आपको परेशान करेगी, अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार को तो जरूर करें। सरसों का तेल लीजिए पात्र में जी, और अपना चेहरा देखिए उसमें जी, और किसी को दे दीजिए, दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। और एक उपाय और है, शक्कर और आटा मिलाकर, शक्कर आटा मिलाकर चींटियों को खिलाएं, ये सबसे अच्छा उपाय है। और ऐसा ना करें आसपास दे दें, थोड़ी दूरी पे जाके दें, थोड़ा दूर जाके वहाँ जाकर शक्कर आटा देंगे अगर चींटियों को, क्या होता है शनि स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है, धीरे काम करता है, तो उस टाइम आपको थोड़ी तेज़ी दिखानी है। शनि क्या कहता है, तू कर्म कर, कर्म करने के लिए क्या होता है आपको चलना पड़ता है, आप बैठे बैठे नौकर को कहेंगे ये ले जा, जाके चींटियों को खिलाया तो उसका फल आपको नहीं मिलने वाला, नौकर को ही मिलेगा। कई लोगों का होता है ना कि मैम मैं किसी के हाथ भेज दूँ, किसी को बताती हूँ मैं जैसे कि आपको ये करना है, तो बोल रहे किसी के हाथ भी भेज दें, कुछ कोई भी दिया है, क्यों आप क्यों नहीं जा सकते, जब आप चलने में सक्षम हैं तो आप जाइए। ये वो लोग भेज सकते हैं किसी के हाथ जिनको कोई हेल्थ इशू है, जो चल नहीं पाते हाँ, है ना, वो तो कर दें, लेकिन जो चल पाते हैं सब कर पाते हैं वो तो खुद जाकर करके आए ना। और एक नियम, अगर पीपल के जल पर, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि शनि की ढैया और साढ़े सती वालों के लिए बोल रही हूँ, जिनकी शनि के दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे, और एक कहीं सुनसान में कहीं पीपल का पेड़ हो जहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता हो, अगर वहाँ जाकर भी आप दिया जलाएंगे और जल देंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक जो बिल्कुल जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप वहाँ जाके करेंगे तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही ना, आशीष जरूर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको करें, अधिक के लिए आप अपना थोड़ा देख हाँ, भी लें तो पत्रिका, हाँ, कि आपको कौन से घर से क्या मिल रहा है, क्योंकि घर के हिसाब से कुछ चीजों का अलग अलग दान है शनि में, तो उसमें मैं बता दूंगी। बाकी सबसे बड़ी बात है तो 7 या 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें, बस ये इतना सा ही अगर आप ढैया साढ़े सती में कर लेंगे तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जी जी, नहीं सही कहा आपने। और वैसे भी देखिए भक्ति की जो उच्च अवस्था अगर है जी, वो परम अवस्था है, तब तो सब ईश्वर संभाले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये भी तो हैं, आपसे भी बातचीत करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, और गाहे बगाहे इस तरह के ग्रह, चूंकि भगवान शनि को न्याय का देवता कहा गया है और इस सब इनकी रचना तो ईश्वर ने ही की है, तो ये कैसे अनुकूल हो, इसके लिए आपने बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 7 या 11 बार, पीपल के वृक्ष की सेवा कीजिए, शहद और उसमें शक्कर और आटा मिला करके चींटियों को खिलाइए, और इस वीडियो को समझने के लिए फिर से दोबारा उसको सुनिए और उसके बाद वो उपाय कीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है तो वो तो इस सूरत में हम भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तुरंत फुरत आपको उसका हल मिल जाए तो एक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है, एक विस्तृत, कहीं भी आखिर कोई कैसे बता पाएगा जब तक आपका ध्यान नहीं करेगा जी। तो दूर से बैठा बैठा तो बता नहीं पाएगा, तो इसलिए तो खैर बहुत आवश्यक। और आप एक बात बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं मैं तो इतने करता हूँ हनुमान चालीसा, 21 करता हूँ, 11 करता हूँ, फिर भी फल नहीं मिलते, तो इस पे आप बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए कहने को तो आप बहुत सारे सिद्ध साधक कहते हैं एक बार आप जय हनुमान कहिए तब भी काम हो जाएगा। गणना आप संख्या पे ना अटके, कई बार होता है कि हमारे ऊपर ये सवार हो जाता है कि हम तो इतने पाठ करते हैं, वो पाठ ही हावी हो जाता है, या फिर उसका कहीं ना कहीं एक अहंकार जैसा ही पकड़ लेता है कि मैं तो 108 पाठ करता हूँ। कुछ ना पते के हम लोग पाठ में ध्यान नहीं दे रहे। हम अगर मैं किसी को बोलूंगी ना आप सूर्य को जल दीजिए, बोलेंगे इससे क्या होगा, अरे दे दो तुम खाना खाते हो, पूछते हो इससे क्या होगा, नहीं पूछते ना हम अपने बच्चे को खाना देते हैं या कुछ पूछते हैं उससे क्या होगा, नहीं पूछते हम।
तो आप जल दीजिए ना, कुछ चीजें तो बिना स्वार्थ के करेंगे ना, बिना कुछ रिटर्न में लिए हुए, तो भगवान अपने आप ही बहुत कुछ डबल करके दे देगा। शायद आप कम मांग रहे हैं उनसे। तो कई बार अगर कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई ज्योतिष आपको बोलता है आपको 11 पाठ करने हैं, तो आप उसको ये ना बोलिए मैं तो 21 रोज करता हूँ, तो 11 कर लीजिए, क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी सरस्वती बैठती है। तो इसीलिए आप एक बार सिर्फ विश्वास करके वो काम कीजिए, फल की तरफ ना ध्यान दें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको पढ़ते पढ़ते बोलेंगे कि नहीं इससे ये मिलेगा ये मिलेगा, आपको वो गाड़ी नजर आ रही है जो गाड़ी आपको चाहिए, लेकिन आपका हनुमान चालीसा पे ध्यान नहीं है। जी जी जी। तो और वैसे भी जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं हनुमान भक्ति पे बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम हैं, बहुत सारे विद्वान आचार्य पंडितों से बातचीत है। आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें कि आपके लिए कौन सा ठीक है उसको कीजिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं अगर, तो वो जो कह रहा है उसको कर दीजिए। हाँ, और एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपने पूछा है तो। पूछा है तो या पहले तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छा हो, सब काम करेगा, सब काम। लेकिन अगर पूछ रहे हो तो फिर इसमें किंतु परंतु ना लगाए, ना लगाए और उसको कीजिए। और मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि श्रद्धा से विश्वास से ही कुछ भी फलीभूत होता है। श्रद्धा विश्वास जितना हमारा गहरा होगा, गहरीभूत होगा, उतनी ही जल्दी फलाफल की प्राप्ति होगी। जी। तो ये आपने बताया कि नए साल की शुरुआत में ऐसे लोग जो परेशान हैं, जिनके जीवन में ढैया या सारे साथी चल रही है, कईयों के शुरू होने वाली है, तो वो उनको कुंडली में पता चल जाएगा कि किन की, खास करके दो तीन राशियों का आपने जिक्र किया जिन पे शुरू होने वाली है। एक तो मीन है, मीन राशि पे शुरू होने वाली है, वृश्चिक और कर्क पे ढैया शुरू होने वाली है, मकर और कुंभ पे ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, मकर और कुंभ पे चल रही है, कुंभ पे चल रही है, अभी तो, रहेगी उनके पास। अच्छा, तो इन लोगों को तो ये उपाय करना ही करना है, करना ही करना है। इन पांच राशि वालों को तो उपाय करना ही करना है जिनकी ये चल रही है। कौन से घर में चल रही है ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। अगर बिजनेस के उसमें चल रही है या सप्तम भाव में है, फोर्थ हाउस में है, ये अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा कि शनि जहाँ बैठा है दृष्टि दे रहा है वहाँ वहाँ क्या फल देता है आपको, ये करेगा। तो ये आप करें ही करें, और हर व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, ये तो हम लोग का लक्ष्य ही है कि लोग इस महत्व को समझें और पढ़ें, और दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे, सब संभव है हनुमान जी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम।